काकी, मैंने आपसे मेनका के बारे में बात करनी है। ये बात से माता देवांशी। काकी, बात यूं से कि मेनका का अब हमारे घर में रहना ठीक ना होगा। हमारा मतलब वो हमारे घर के माहौल में ढलने के लिए थोड़ा सा वक्त लगा रही है। नहीं माता देवांशी, नहीं, मेरी गलतियों की सजा मेरी बेटी को मत दीजिए। मैंने उसका ब्याह आपके घर में करवाया, पर इसमें हमारी मर्जी ना थी। ये सब तो मैंने मजबूरी में किया, मजबूर थी मैं कुलक्ष्मी जी के सामने। क्या कहा आपने? बुआ जी ने, बुआ जी ने आपको इस शादी के वास्ते मजबूर किया। हाँ, मन नहीं किया था इन सब से झूठ बोलने के वास्ते, और वो यो सच है कि मेनका ने नींद में चलने की बीमारी से, क्या? और उससे भी ज्यादा अजीब बात यो से कि उस छोरी ने कुछ भी याद न रहे वैसे। पर नहीं किया था आप सबसे छुपाने के लिए और ना बताने के लिए, तो उसकी पते डर था कि अगर आप सबने सच पता चल जाएगा तो आप वापस हाथी तोड़ दोगे। बस इस करके ही मन ने मना कर दिया था। मारी छोरी ने घर से बाहर मत निकालना, उसकी कोई गलती सुनो मत। अरे माफ कर दो माता देवांशी, मैंने बहुत बड़ा झूठ बोला। काकी खड़े हो जाइए। हाँ माता देवांशी, इसमें सारा कसूर महाराज है, इसलिए आपने जो भी सजा देनी सब बनने दो, मेनका को सजा मत दो। आप लोगों ने गलत किया है हमारे साथ, कितना बड़ा धोखा दिया, झूठ बोलिया है हम सबसे, और इसलिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मन ने पता से बहू की मारते बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई तने समझने में। और गोलू तू भी, हो सके तो तू भी मन ने माफ कर देना, लेकिन अपने पापों का प्रायश्चित तो कर सकू ना, इसलिए मन ने फैसला किया है कि मारे हिस्से की पूरी जायदाद मैं हम दोनों के नाम करना चाहूंगी। साइन कर। ये बात से मम्मी, लाओ 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 जल्दी, तो कहाँ साइन करना है? यहाँ यहाँ पर। हाँ, अभी करके देता हूँ। देखा डार्लिंग, मैं ना कहता था मारी मम्मी दिल से बहुत अच्छी से। मैं जानता था मम्मी तू एक दिन मारी घराली से माफी जरूर मांगेगी। आजा। तू भी साइन कर। एक मिनट कूल। मन ने पता से तू पढ़ी लिखी ना से, पर कोई बात नहीं, मैं थारे लिए यो लाई हूँ। हाँ अच्छा, मैं ना अभी ये बात पापा को बता के आता हूँ, खुशी के मारे बौखला जाएंगे। दूसरी बात तो यो से, तन्ने पता से तन्ने के करिया से इस कागज पर अंगूठा लगा के आप दोनों की गलती की सजा मैं मेनका ने नहीं दूंगी, क्योंकि उसकी तो इसमें कोई गलती ना थी। और काकी, मेनका हमारे घर में बहू बनकर आई तो बहू बनकर ही रही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माता देवान। एन मौके पर महाराज झूठ काम कर गया, इब इस मेनका की माँ का मुंह भी बंद करके रखना पड़ेगा, और देवांशी को फिरते अपने बस में करना पड़ेगा। इब मैं तन्ने बताती हूँ तन्ने के करिया से, तन्ने अपने ही हाथों से अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। इन कागज पर यो लिखा सा कि तू और गोलू एक दूसरे ने तलाक देने के वास्ते तैयार हो। क्या?
ये तो गलत है माँ जी, आपने झूठ बोला हमसे, धोखे से करवाया आपने हम दोनों से ये सब। मारे बदले लेने का वक्त आ गया से, और तारा इस घर से बाहर निकलने का चाल। नहीं माँ जी, मैं तुमने बताऊंगी मारे से उलझने का अंजाम के हुए से। चल चल निकल इस घर से बाहर, खबरदार जो इस घर की ओर कदम रखा तो। अरे कदम तो दूर की बात है, आग भी उठा के देखे ना तो देख लेना। क्या हो रहा है यहाँ पर सब? जी जी देखिए ना, सासू माँ मुझे घर से बाहर निकाल रही है। इन्होंने मुझसे और गोलू से तालाब के कागजात पर दस्तखत ले लिए धोखे से, मुझे बचा लें जी। ये क्या कर रही है आप चाची जी? ऐसे कैसे आप मेनका को घर से बाहर निकाल सकती है? हाँ अच्छा, दूसरी बात तो यो से दीवार की कि तू इतनी जल्दी कैसे पलट गई? अचानक तारे मन में यो मेनका के प्रति प्यार कैसे जाग गया? इसकी साइड कैसे ले लिया अचानक तन्ने? मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ चाची जी, बस सही का साथ दे रही हूँ। अच्छा, मैं मानती हूँ कि मेनका ने जो भी करा वो गलत करे, पर वो उसने जानबूझ के नहीं किया है बल्कि अपनी बीमारी के बस में आकर करा। चाची जी, मेनका ने नींद में चलने की बीमारी से। बीमारी हो। अरे कल को इसने गोलू का गला काट दिया तो, गला दबा दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? हाँ, मेरा बेटा तो मर जाएगा ना। और एक और बात, इसने घर में लाने के लिए तो कह रही है, पर किस रास्ते से? हाँ, तू उसके साथ क्यों दे रही है? अब तो ये घर की बहू भी नहीं रही। रिश्ता जानना है ना आपको? छोटी बहन मानती हूँ मैं मेनका को, और इसमें कसूर मेनका का नहीं बल्कि मेनका के परिवार वालों का। तो मेनका की इसमें कोई गलती नहीं है तो फिर सजा किस बात की? और मैंने बस एक बात बताई, अगर आपको कभी पता चले कि गोलू को भी ऐसी कोई बीमारी है तो क्या आप उसे भी इसी तरह से घर के बाहर निकाल देंगे? वो हमारा बेटा से, उसके साथ मैं ऐसा कैसे करूंगी? तो चाची जी, आप समझ क्यों नहीं रही है कि मेनका भी किसी की बेटी है? जब आप अपने बेटे ने घर से बाहर नहीं निकाल सकती तो फिर मेनका ने कैसे निकाल सकती? मन ने फैसला ले लिया कि मेनका इसी घर में रह रही। तुम मेनका ने नहीं बल्कि अपनी परवाती ने इस घर में वापस लेके आई सत्यवांशी। अब तेरी जिंदगी से यो महाभारत खत्म नहीं होने वाली से। और मेनका, मैं तुम्हारा इलाज करूंगी और देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। जरूर ठीक होवेगी यो। देख लिया नूतन, हिमांशी ने कितना सही फैसला लिया से। मन ने गर्व से बैठ कहने बिल्कुल उचित फैसला लिया से। और मेनका कहीं नहीं जावेगी, यहीं रहेगी हम सबके साथ। चलो मेनका। मेनका बैठो, पहले बैठो। मेनका, इतनी प्यारी सी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। जी जी, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया सासू माँ के साथ। पता नहीं क्यों मुझ पे उल्टे सीधे इल्जाम लगा रही है। मैं जानती हूँ मेनका, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं चाची जी से बात करूंगी। और हाँ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, तुम्हारी जिम्मेदारी से। जी जी,
आप बहुत अच्छी हैं, आप दिल की बहुत मजबूत हो, हर मामले को कितनी अच्छी तरह से सुलझा लेती हो आप। इतनी सारी जिम्मेदारियां होने के बाद भी आप एक बहू का फर्ज भी निभाती हो और एक आदर्श पत्नी का भी। वो तो है मेरी देवांशी, सब कुछ एकदम परफेक्ट है हमारी देवांशी। बस इसके आसपास के लोग थोड़े परफेक्ट नहीं, खास करके इसका पति, जो अक्सर थोड़ा मतलबी हो जाता है। तन्ने कुछ कहने की जरूरत ना है, पापा से मिलके आ रहा हूँ, उन्होंने बताया क्या किया तूने मेनका के। आप दोनों सच में बहुत प्यारे हो। मैं गंगू वाली मैया से प्रार्थना करूं कि आप दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसे ही हंसती रहे, कभी किसी की नजर ना लगे आपके रिश्ते को। ओम क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्छेन स्वाहा। ओम क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्छेन स्वाहा। एक मौका मिल गया था तन्ने दीवानसी अपनी बर्बादी ने रोकने का, लेकिन तन्ने वो भी अपने हाथ से गवा दिया। ये भी तन्ने पता चलेगा कि तू इस घर में मेनका ने नहीं बल्कि इस घर में अपनी बर्बादी ने वापस लेके आई। जो सब कुछ ठीक है, तुमने ये बता यो क्या कर रही है, यो कैसे जादू टोना क्या कर रही है तू इसमें? एक घूट पीड़े पता चल जाएगा कि घर का पागल है क्या, पीड़े जादू टोना कर रही थी उसने। अरे वैसे तो बड़ा तीरंदाज बना फिर है यहाँ, वहाँ मैं यो मैं वो। चल जबरदस्ती ना कर, अच्छा बच्चे की तरह पूजा पड़ रहा। मोहन ये तो सुन मैं आज यो अब तू देख थोड़े कमा। ये कर रहा है तू, पागल हो गया सर तू? अरे मोहन अरे यो ये भेकिया मारे मुंह पे। काला जादू इब जरा सोच, अगर तू एक घूट पी के हमारे लिए अपना पगला सके तो जब मेनका वरदान पूरा का पूरा गिलास पिला दे देगी तो वरदान का क्या होगा? मोहन आज रात वरदान कुछ ऐसा करने वाला है जिससे देवांशी अंदर तक टूट जाएगी। वो जिंदा रह जाएगी लेकिन जिंदगी से आंखें नहीं मिला पाऊंगी। ऐसा तोड़ूंगी उस छोरी ने कि सात जन्म लेने के बाद भी अपने आपने जोड़ नहीं पाएगी। देवांशी चौधरी फरदान, बहुत नाइंसाफी है ये। तन्ने कमरे में बुलाया था ना, आई क्यों नहीं? वो बड़ी सुंदर साड़ी है मारे वास्ते, तो चॉइस अच्छी है। ओ बात मत टाल, आई क्यों नहीं? सबर रखिए पति देव,
क्योंकि सबर का फल मीठा होता है। देखिए तो सही, मैं आपके वास्ते केक बना रही हूँ। तन्ने पता से इब आगे तन्ने के करना से? कौन बोल रहा? तो किसी का फोन था, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मैंने मंदिर जाना होगा। वर्ड वरदान को तन्ने कोई सफाई देने की जरूरत ना है। नाराज ना हूं थारे से। पर नाराज तो तू लग रहा है। नहीं, पर मारी एक शर्त है। कैसी शर्त? कि जाने से पहले मारे को एक प्यारी सी स्माइल देके जा। मेड़का यो ले जाके वरदान ने पिला दे। सुहाग रात तो वरदान की होवेगी, लेकिन देवांशी के साथ नहीं, मेनका के साथ। माता देवांशी, रोक सको तो रोक लो इस जोड़े के मधुर मिलन ने।